चलिए तो सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लेकर आए हैं आपके लिए करेंट अफेयर का यह सिनारियो जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार अवर निरीक्षक सेवा की जो भी वैकेंसीज आई हुई है, दरोगा की या कांस्टेबल की, जितने भी वैकेंसीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्यों सिनारियो इंपॉर्टेंट होता है सुबह के 6 बजे का। डेली देखिए 10 क्वेश्चन से आपको मैं यहाँ पे अवगत कराता हूँ और एंड ऑफ मंथ में पूरे महीने का सार संग्रह देता हूँ, जी हाँ, ताकि आपके जो रिवीजन है वो पूरे हर महीने का होता रहे। और ऐसे करते करते हम लोग पूरे साल का कवर अप करेंगे, जब तक एग्जाम आएगा तब तक एक साल का करेंट अफेयर आपको करा चुका रहूंगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, और आज देखेंगे हम लोग 2nd of September से ये करेंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब का पीडीएफ दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल YT एजुकेशन से। दोस्तों कल मैंने सारा वीडियो का पीडीएफ जो है यहाँ पे शेयर कर दिया है रात को ही, और आप लोग जाके सब डाउनलोड कर सकते हैं, जी हाँ। और जो भी छात्र जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारा एजुकेशन की एथिक्स का भी टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे भी, जुड़िए और एक नया शुरुआत करते हैं एक नए परीक्षा की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है उनका नाम बताना है उन दोनों देशों का। आंसर करेंगे दोस्तों भारत और रशिया को, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों आंसर ई हो जाएगा। अब देखिए सवाल बना है यहाँ पे रशिया से, क्योंकि भारत के बारे में आपको पता है कि यहाँ की राजधानी न्यू दिल्ली होती है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है पीएम है वो है नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। तो ये तीन टॉपिक है स्टैटिक पार्ट भारत से, लेकिन रशिया से जी हाँ सवाल जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो जरूर लिखिएगा। दोस्तों कैपिटल इसकी मॉस्को होती है और प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। करेंसी है यहाँ के रशियन रूबल और प्राइम मिनिस्टर का नाम है दोस्तों मिखाइल मिस्टिन। और ये जो कॉन्टिनेंट है रशिया, ये यूरोप और एशिया के जी हाँ दोनों क्षेत्रों को कवर भी करता है। वैसे जनसंख्या की बात कर ले तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 14.5 करोड़ की जनसंख्या है। तो ये स्टैटिक पार्ट आपके जीके से जरूर आएंगे क्वेश्चन, यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। और खासकर अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं जैसे दरोगा वगैरह का या फिर कांस्टेबल वगैरह का, तो वहां पे स्टैटिक पार्ट पूछे जाते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 2 पे, ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है। तो ये 5वीं बार जीत हुई है इनको इस ग्रैंड प्री में, तो ये है दोस्तों बेल्जियम से, जी हाँ ब्रिटिश ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक की 5वीं बार खिताब जो है ये अपने नाम किया है। दोस्तों याद रखिएगा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और जो भी यहाँ से अपडेट है स्टैटिक पार्ट का वो देखिए, जबकि जुड़ा हुआ है सवाल बेल्जियम से, ये जो ग्रैंड प्रिक हुआ है ये आपके बेल्जियम का है, तो बेल्जियम से जुड़े हुए मैंने यहाँ पे कुछ तथ्य स्टैटिक पार्ट दिए हैं आपको। दोस्तों कैपिटल सिटी यहाँ के ब्रसेल्स होती है और यहाँ की करेंसी यूरो है और पॉपुलेशन यहाँ की लगभग 1.15 करोड़ की है और कॉन्टिनेंट यहाँ का यूरोप होता है। तो ये स्टैटिक पार्ट है यहाँ से दोस्तों आपके लिए, जी हाँ ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन के साथ दे रहा हूँ स्टैटिक जीके, आपका कवर करा दूंगा, कहीं से अलग से वीडियो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो करेंसी का हो, करेंट कैपिटल का हो या फिर स्टेट लेवल का कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ के कैपिटल गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के नाम सारी चीज बताता हूँ इस स्टैटिक पार्ट में, तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सुबह का 6 बजे का। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनने की घोषणा हुई है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए दोस्तों यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत का एक विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है, जी हाँ उनके राज्य गुजरात में। आंसर ए कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों अगर बात होती है गुजरात की तो स्टैटिक पार्ट इसका ध्यान रखेंगे, कैपिटल सिटी है गांधीनगर, पॉपुलेशन यहाँ के 6.5 करोड़ की जनसंख्या है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं विजय रूपानी, नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। देखिए ये सारे जो अपडेट हैं ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि आज है डेट यहाँ पे 2 सितंबर। अब ये जो अपडेट है ये अगर आप मान लीजिए कि आज से 5 साल के बाद वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि चेंज हो जाए वहां पे मुख्यमंत्री गवर्नर दोनों ही, तो वो चीजें अलग हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा
ये वीडियो आपके लिए हमेशा फायदा रहेगा। ये समय जो है आपको बताएगा कि इस दिन ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर थे। वैसे लिटरेसी रेट यहाँ बात करें दोस्तों तो 78.3% की है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट से जरूर पूछेगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हॉल, देखिए अभी हाल ही में इसके रिगार्डिंग कुछ नई वैकेंसीज निकाली गई थी, इसके बारे में मैंने आपको एजुकेशन की 86 पे अपडेट भी दिया था, तो आप लोग इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे पल पल की अपडेट आपको पहुंचाई जा रही है। दोस्तों जितने यहाँ पे कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव के निवेशकों से यहाँ पे उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, तो आंसर कीजिएगा इट्स ए 15%। नोट कर सकते हो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए 15%। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे स्टैटिक पार्ट की, तो जो हमारा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है उसके फाउंडर दोस्तों वालचंद हीराचंद है, ये इनका नाम है। फाउंड किया गया है इस कंपनी को 23 दिसंबर 1940 में। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। सवाल है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका से, तो कर्नाटका की राजधानी होती है बेंगलुरु दोस्तों, याद रखेंगे। आपसे एक सवाल आज का ये टास्क आपका, जी हाँ आपको पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, चूंकि मैं चीजें बताता हूँ तो पूछने का हक भी रखता हूँ। सीएम और गवर्नर के नाम यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोगों को करने हैं। देखिए कल भी मैंने इनके नाम बताए थे आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत विधेयक जो कि 2020 का है उसको खारिज कर दिया गया है। तो हाल ही में किस सरकार ने ऐसा किया है, विधानसभा का क्षेत्र है यहाँ पे और यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार का उसके द्वारा प्रस्तुत कृषि के अध्यादेश के लिए ये पारित हुआ था और उसको दोस्तों यहाँ पे विद्युत संशोधन के लिए विधेयक निकालकर इसको खारिज कर दिया गया है। एग्जैक्टली आंसर करेंगे दोस्तों ए पंजाब। नोट कर सकते हैं दोस्तों पंजाब स्टेट है, क्योंकि देखिए पंजाब से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट जरूर याद रखेंगे। दोस्तों जो एरिया है पूरे पंजाब का वो 50,362 किलोमीटर स्क्वायर का है। कैपिटल इसका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ दोस्तों एक संघ राज्य भी, जी हाँ संघ राज्य भी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ये, और चंडीगढ़ खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ है चूंकि आपको बता दें, और हरियाणा का भी ये राजधानी होता है चंडीगढ़। तो पॉपुलेशन यहाँ की लगभग 2.8 करोड़ की है और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नाम याद रखिएगा, बहुत ही ट्रेंड में मतलब रहते हैं ये, फेमस हैं, ट्रेंडिंग में है। गवर्नर है यहाँ के दोस्तों बीपी सिंह बदनौर। तो ये सारे टॉपिक स्टैटिक के मैंने आपको दिए हैं। अब मैं यहाँ से कल सवाल जरूर पूछूंगा आपसे यहाँ से, जी हाँ, अगर कि देखिए टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 हैं जिसमें कि 13 जो हैं वो लोकसभा से हैं और 7 जो हैं वो राज्यसभा से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कल मैं आपसे पूछ भी लूँ, तो इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे। और हर राज्य के लोकसभा और विधानसभा, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, स्टैटिक वीडियो। अगर आप लोग हमारा चैनल देखते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे स्टैटिक जीके करके 3 वीडियो के प्लेलिस्ट बने हुए हैं स्टैटिक जीके का ही, ठीक है। उन तीनों को एक एक करके जरूर देखिएगा। सवाल नंबर 6। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व प्रधान राष्ट्रपति को 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो भारत रत्न, एक और भारत रत्न हमारे बीच से चला गया है अलविदा कहकर, जी हाँ प्रणब मुखर्जी, नाम याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ प्रणब मुखर्जी जो है ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं रामनाथ कोविंद से पहले, और ये 84 साल की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये इनकी कुछ फेमस पुस्तकें हैं जो कि स्टैटिक जीके में आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जो इनका हाल ही में निधन हुआ है तो अगर इधर कोई एग्जाम होता है तो ये 4 पुस्तकों के नाम याद रखेंगे। द कोलेटन ईयर्स जो कि 2017 में लिखा गया है, द ड्रामेटिक डिकेड्स ये 2014 की पुस्तक है, द ट्रिबुलेंट ईयर्स ये 2016 की पुस्तक है, एंड द थॉट ऑफ द रिफ्लेक्शन 2014 में लिखा है इन्होंने, और बियॉन्ड सर्वाइल ये 1984 के लिखा हुआ एक पुस्तक है। तो ये दोस्तों कुछ मैंने 6 पुस्तकों के नाम आपको बताए हैं यहाँ पे। भारत रत्न के बारे में अगर सवाल पूछेगा तो पूछेगा कि कब इनको दिया गया था, तो याद रखिएगा 8th ऑफ अगस्त
1919 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनको सम्मान देने वाले भी एक राष्ट्रपति थे, जो कि अपने आप में ही एक दोस्तों, जी हाँ, एक राष्ट्र, एक पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति यहाँ पे भारत रत्न से नवाजा, तो अपने आप में एक नया चीज हुआ है 2019 8 अगस्त को भारत के लिए। सवाल नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण, जी हाँ ये वकील कार्यकर्ता है प्रशांत भूषण, द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले में फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जुर्माना किया है 1 रुपए का, याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा। जाने माने वकील हैं और एग्जीक्यूटिव हैं ये प्रशांत भूषण जी, जिनको अदालत की अवमानना करने पर दोषी पाया गया है। जुर्माने की रकम यहाँ पे दोस्तों 15 सितंबर तक आपको समय से भर देना होगा, वरना यहाँ पे आपको फाइन भी लग सकता है। तो 1 रुपया है, अगर होगा तो जरूर से जरूर यहाँ पे भर दीजिएगा। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल का जेल भी हो सकता है, या फिर 3 साल तक वकील के तौर पर काम नहीं करने की सजा दी जा सकती है। तो 1 रुपए की सजा इतनी है, ध्यान रखिएगा ये भारत है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ट्वीट को लेकर अवमानना के दोषी को ठहराया गया है उनके एक ट्वीट पर, और प्रशांत भूषण की सजा के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रखा गया है। प्रशांत भूषण है कौन, उनके बारे में आपको बता दें कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर हैं, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं ये लॉयर, और ये जो मेंबर ऑफ द फैक्शन ऑफ द इंडियन अगेंस्ट द करप्शन मूवमेंट के खिलाफ ये वक्ता हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे। और जन लोकपाल बिल में अन्ना हजारे के ये सपोर्ट भी कर चुके हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 8 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी, जी हाँ दोस्तों जेजेपी, याद रखेंगे जेजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये एक पार्टी है, एक आपका राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, याद रखेंगे दोस्तों। और इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह चौटाला को, याद रखेंगे आंसर ये हो जाएगा। देखिए अब ये जो कंपनी है आपकी, जो मतलब कंपनी कह रहा हूँ, ये जो पार्टी है इसका 9 दिसंबर 2018 को फाउंडेशन किया गया। दुष्यंत चौटाला जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, अब यहाँ पे इनको हटाकर अजय सिंह चौटाला को यहाँ पे बनाया गया है। और ये हैं देखिए दोनों ही इनके फाउंडर हैं इस पार्टी के, तो अजय सिंह चौटाला जो है अब फाइनली इसके बन चुके हैं अध्यक्ष। दोस्तों सवाल नंबर चलते हैं 9 पे, और ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से है। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री के पद से, जी हाँ, नामित किया गया है। जी हाँ यहाँ पे अभी लेबनान में एक घटना हुई थी जिसके चलते यहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था, और यहाँ पे पूछा गया है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जी हाँ किसे प्रधानमंत्री के पद पर नामित किया गया है। जी हाँ आंसर करेंगे मुस्तफा अदीब, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। और दो अदीब जो हैं वो 4 पूर्व लेबनान प्रधानमंत्रियों के बाद लिए अपनी पसंद के तौर पर नामित किए गए एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री भी बने हैं लेबनान के, दोस्तों ध्यान रखेंगे। और यहाँ से लेबनान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राइम मिनिस्टर जो है दोस्तों यहाँ पे हसन दियाब थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये इनको सक्सीड कर रहे हैं मुस्तफा अदीब, ठीक है ये नोट कर लेंगे। कैपिटल यहाँ की बेरूत होती है और ये एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है ये कंट्री, याद रखिए। करेंसी जो है यहाँ की लेविसनिस जो है वो पाउंड है, ये नोट कर सकते हैं। और जनसंख्या यहाँ ज्यादा नहीं है, लगभग 68.5 लाख की जनसंख्या है दोस्तों। और अदीब जो है यानी कि मुस्तफा अदीब जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री साद अली हरीर के समर्थन से भी प्राप्त हुए हैं, जो कि सबसे बड़ी सुन्नी पार्टी मानी जाती है, और इसको फ्यूचर मूवमेंट का नेता भी कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से दोस्तों, जी हाँ लेबनान से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, खासकर बीपीएससी के एस्पिरेंट जो है उनको पढ़ना चाहिए। सवाल यहाँ पे है पर ऑप्शन नहीं है, तो इसके कुछ तथ्य मैंने लिख कर दिए हैं। बिहार सरकार का सबसे बड़ा फैसला, 15 साल से अधिक पुरानी वाहनों पर लगा प्रतिबंध, कारण क्या है उसके, तो कुछ इस तरह का ये सारा कारण है। राज्य सरकार में पटना में, जहाँ पटना इसकी राजधानी होती है दोस्तों बिहार की, 15 साल से अधिक पुराने सभी वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसके अतिरिक्त पूरे राज्य में निजी वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं है, यानी कि जिनका पर्सनल गाड़ी है और वो 15 साल पुराना है तो वो चला सकेगा, या लेकिन जो बसेज हैं या फिर जो मतलब
पब्लिक के लिए यूज करने के लिए जो चीजें हैं और वो 15 साल से पुरानी है तो उसको बंद किया जाएगा, चाहे बसेस हो, ऑटो हो। जी हाँ, 15 साल से अधिक निजी वाहनों के परिचालन के लिए प्रदूषण की जांच करवाई जाएगी जरूर, लेकिन प्रदूषण प्रमाण पत्र आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ, इसका महत्व है, और कोई यहाँ प्रदूषण प्रमाण पत्र का कोई महत्व नहीं होगा। ओके, यहाँ पे महत्व नहीं होगा। और बिहार के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति को चिंताजनक हो गई है, इसलिए बिहार की राजधानी पटना देश के सर्वाधिक वायु प्रदूषण में यह टॉप 10 शहरों में से भी एक है। तो पटना भी यहाँ पे हो रहा है प्रदूषित, इसलिए आपको क्या करना है इसके लिए, जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ, और ये वृक्ष लगाने हैं आपको, और खासकर पटना के क्षेत्र में भी अगर आप वृक्ष लगा सकें, अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो जरूर लगाइएगा, क्योंकि वृक्ष से ही स्वच्छता होगी और हमारा राज्य भी यहाँ पे साफ सुथरा रहेगा और ये स्वस्थ भी रहेगा। राजधानी यहाँ तो पटना है, लेकिन सीएम कौन है यहाँ के, तो ये है नीतीश कुमार। यह नोट कर सकते हैं दोस्तों। और नीतीश कुमार के अलावा यहाँ पे गवर्नर कौन है, ये सीएम है और गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा फागु चौहान। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, फागु चौहान, ये नाम नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको सारे क्वेश्चन आप दे दिए हैं और उसके तथ्य भी बताए हैं। वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और एजुकेशन की 86 पे IBPS की वैकेंसी आई हुई है, जी हाँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जाकर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।